अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको कंप्यूटर की शार्ट का की के बारे में बताएंगे। पहली है कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल बी किसी भी कंटेंट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी, ये कंटेंट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी, ये पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स, ये कॉन्टैक्ट को कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो ये कॉपी है, इसमें हम कोई भी टेक्स्ट कॉपी करते हैं वो वहाँ भी रह जाता है, और आगे जहाँ पेस्ट करना होता है वहाँ भी रह जाता है। और जो है कंट्रोल एक्स, इसमें हम कॉन्टैक्ट को कट करते हैं वो वहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर आगे हम ले जाते हैं उसको। कंट्रोल डी, ये होता है फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ई, ये अलाइन द सेंटर, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट हो राइट हो उसको हम कंट्रोल प्लस ई करेंगे, वो सेंटर में हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ, ये किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, फाइंड द टेक्स्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जी, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एच, ये भी फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई, ये कंटेंट को इटैलिक करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे, ये टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम कंट्रोल प्लस जे करेंगे, जो भी हमारे जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होगा उसको जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के, ये लिंक को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो हमने लिंक वगैरह कॉपी किया होगा कंट्रोल के करेंगे, वो लिंक इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल, अलाइन योर कंटेंट टू लेफ्ट, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट कहाँ भी लिखा होगा और हम कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम, ये हमने कोई भी टेक्स्ट कहीं भी लिखा होगा अगर कंट्रोल प्लस एम करेंगे वो पैराग्राफ की शक्ल में चेंज हो जाएगा। जो हमारा है कंट्रोल प्लस एन जब हम प्रेस करेंगे तो न्यू पेज आ जाएगा। जो है कंट्रोल प्लस ओ, ये ऑप्शन को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। कंट्रोल प्लस पी, ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू, ये होता है क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर, ये होता है अलाइन योर कॉन्टैक्ट टू राइट, ये कॉन्टैक्ट को राइट जानू करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस, ये जो हमने कॉपी किया होता है जो हमने वर्ड वगैरह पर काम किया होता है उसको सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी, ये इन कंटेंट को हैंगिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम जो है पहली लाइन वो हम जब हमें कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे जो हमारी पहली लाइन फिक्स हो जाएगी और बाकी लाइनें आगे पीछे होती रहेंगी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू, ये अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये क्लोज डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई, यूज्ड फॉर रीडू। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जी, ये होता है यूज फॉर अंडू, ये इस्तेमाल होता है अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है कोई पेज में आते वगैरह तो हम कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो वो वापस चला जाएगा। और कंट्रोल प्लस वाई, अगर हम कंट्रोल प्लस जी दबाया तो वापस चले गए, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी कोई गलती हुई है तो
वो कैसे पता चले? तो हम कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो वो दोबारा वही गलती मिस्टेक हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।